गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू ब्लॉग और आज का ब्लॉग में मैं आपको बहुत ही सुंदर से कैफ़े के बारे में बताने वाली हूँ। इट्स न्यूली ओपन कैफ़े इन साउथ कोलकाता और इस प्लेस का नाम है बॉर्न फैम। मुझे जैसे ही पता चला इस कैफ़े के बारे में मैंने सोचा जल्दी जल्दी इसको जाते हैं और चेकआउट करते हैं और आपको इस ब्लॉग में बताऊँगी कि यहाँ का मेन्यू क्या है, इंटीरियर कैसा है, खाना कैसा है, सारी डिटेल्स आपको इस ब्लॉग में मिल जाएगी। सो गाइज एक बार मैं उस प्लेस पे पहुंच जाती हूँ तो वहाँ से ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। सो गाइज टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज मैं अपने लोकेशन पे पहुँच गई हूँ और ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, बॉर्न फैम। इट्स अ ब्यूटिफुल लुकिंग रेस्टोरेंट एंड अ कैफे, इट्स ब्यूटिफुल फ्रॉम द आउटसाइड। काफ़ी सुंदर इंटीरियर लग रहा है बाहर से, वाइट एंड ग्रीन में, एंड द गेट लुक्स ब्यूटिफुल, वेरी एस्थेटिक। और यहाँ पे छोटा सा बाहर में बैठने का भी है, लाइक 4 to 5 पीपल कैन सिट आउटसाइड। सो गाइज चलिए अब अंदर चलो। सो गाइज मैं अंदर पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे वॉल पे लिखा हुआ था बॉर्न फैम, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था और बहुत ही सुंदर सा शैंडेलियर भी लगा हुआ है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो जैसे ही मैं एंटर की, यहाँ पे मुझे इनका डेजर्ट सेक्शन दिखाई देता है और बेवरेज सेक्शन। डेजर्ट में इनके पास डिफरेंट काइंड एंड यूनिक स्टाइल में आपको यहाँ पे डेजर्ट एंड ब्रेवरेज मिल जाएगा। सो गाइस इंटीरियर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ के इंटीरियर की मैं जितनी ही तारीफ करूँ उतनी ही कम है, काफ़ी सुंदर इंटीरियर है। यहाँ पे आपको नेचुरल लाइट्स भी आराम से मिल जाएगा और फोटोज़ क्लिक कराने के लिए परफेक्ट है। द होल कैफ़े एंड रेस्टोरेंट इज़ इन वाइट एंड ग्रीन कलर, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे वॉल पे काफ़ी सुंदर से वॉल पेंटिंग्स लगे हुए हैं, काफ़ी एस्थेटिक सी आपको फीलिंग आएगी। इट्स अ लार्ज प्लेस, काफ़ी अच्छी खासी सीटिंग है, 40 to 50 पीपल आराम से यहाँ पे बैठ के डाइन इन कर सकते हैं। एंड द प्लेस लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल और काफ़ी पॉजिटिव सी वाइब आ रही थी मुझे इस प्लेस। और यहाँ पे लाइव किचन भी है। सो गाइज वॉल पे मेरी नज़र पड़ती है वॉल पेंटिंग्स में मुझे विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, हाथ रिक्शा, काफ़ी सुंदर तरीके से उन्होंने इंटीरियर किया हुआ है। सो गाइस पहले मैंने अपने लिए जैस्मिन टी मंगाया था, मुझे टी पीने का बहुत मन कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना चलो जैस्मिन टी मंगाते हैं, काफ़ी दिनों से मैंने पिया नहीं है। और काफ़ी सुंदर तरीके से इन्होंने मुझे सर्व भी किया था। उसके बाद मैंने जो खाने में ऑर्डर किया था बॉम्बे कॉलेज सैंडविच, जिसकी क्वान्टिटी काफ़ी अच्छी थी। उसके साथ मुझे उन्होंने ग्रीन चटनी दिया था और मीठा चटनी भी, ऑल इन टुगेदर क्वांटिटी वाज वेरी गुड। अब चलिए सैंडविच को टेस्ट करते हैं। सो गाइस जो सैंडविच मैंने ऑर्डर किया था वो था बॉम्बे कॉलेज सैंडविच, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, काफ़ी क्रिस्पी था और प्रॉपर तरीके से फिलिंग्स थी और क्वान्टिटी वॉज एब्सोल्यूटली वेरी गुड। अब बिल की बात करते हैं। सो गाइज मेरी टोटल बिल हुई थी 315, जो काफ़ी मुझे रीज़नेबल और अफोर्डेबल लगा। ये कैफ़े बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड एवरी पीपल टू डू कम एंड विजिट दिस प्लेस। इट इज़ लोक गरियाहाट नियर बासुंती देवी कॉलेज एंड इट इज़ अ मल्टी कुजीन डाइनिंग प्लेस, प्लीज़ डू कम एंड विजिट। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।